नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में एक पति पत्नी ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी को काम दिलाने का झांसा दिया और ले जाकर उसे एक रात की दुल्हन बना दिया। किशोरी की मां की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 55 वर्षीय मुख्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। यह घटना रीवा की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच डीएसपी प्रतिभा शर्मा के द्वारा की गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इस मामले में ग्राम लोही निवासी कमलेश सोधिया और उसकी पत्नी सुमन सोधिया को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि 15 दिसंबर को नाबालिग पीड़िता अपने पड़ोसी पति पत्नी के यहाँ घूमने गई थी, जहां उसे काम दिलाने की बात कहते हुए आरोपी पति पत्नी उसे अपने साथ ले गए और एक 55 वर्षीय आरोपी के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की को मैनपुरी गांव ले गया, जहां फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो चुका है। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ समय पहले हमें सूचना मिली थी, 2-3 दिन पहले उनकी माँ बच्ची के साथ में शिकायत करने आई कि हमारी बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है। उन्हीं के पड़ोसी हैं जो मैनपुरी में रहते हैं और जो उनकी वाइफ है वो यहीं की रहने वाली हैं, लोही की। तो उनके द्वारा लड़की को अपने साथ घुमाने के बहाने से ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उसकी किसी व्यक्ति से शादी करवा दी गई। तो उसका उस लड़की ने विरोध किया, फिर किसी न किसी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपने माँ को इन्फॉर्म किया। उसके बाद वो जब घर वापस आ गए तो बच्ची थाने आई, तो उस पर से हमने अपराध की कायमी की है। लड़की वहाँ कैसे पहुँची उनके पास? ये बच्ची का बताना था कि वो घूमने गई थी उन लोगों के साथ में, उनसे उसने बोला होगा कि हमें घुमा के ले आइए वहाँ पे। तो ये लोग जाते रहते थे मेहनत मजदूरी के लिए, धान कटाई के लिए, ऐसा उससे बोला गया था, तो उनके साथ चली गई थी। अभी आरोपी पकड़े, सारे आरोपी पकड़े गए? नहीं, इसमें अभी 2 आरोपी पकड़े गए हैं, अभी 1 आरोपी और पकड़ा जाएगा जल्दी।